शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जहां क्रूज ड्रग्स केस में आर्थर रोड जेल में बंद हैं, तो वहीं उनकी दोस्त और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी एनसीबी की रडार पर हैं। आर्यन के मोबाइल फोन से जो व्हाट्सएप चैट बरामद हुए हैं, उनमें अनन्या पांडे से कई बार ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई है। गुरुवार को एनसीबी दफ्तर में अनन्या पांडे से 2.25 घंटे तक पूछताछ हुई। इस दौरान जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अनन्या को आर्यन के साथ उनकी ड्रग्स को लेकर बातचीत वाले चैट भी दिखाए। बताया जा रहा है कि इस चैट में आर्यन अपनी दोस्त अनन्या से पूछते हैं कि गांजा का जुगाड़ हो सकता है, तो अनन्या इसके जवाब में लिखती है कि वो अरेंज कर सकती हैं। गुरुवार को खुद समीर वानखेड़े ने अनन्या से पूछताछ की। अनन्या पर एक के बाद एक सवालों की बौछार लग गई। जी हाँ, बताया जाता है कि व्हाट्सएप चैट में आर्यन और अनन्या के बीच कई बार ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से ऐसी बातचीत में अनन्या कहती हैं कि वो गांजा अरेंज कर सकती हैं। हालांकि जब समीर वानखेड़े ने गुरुवार को अनन्या को वो चैट दिखाई, तो एक्ट्रेस ने इसे कहा कि वो मजाक कर रही थी। अनन्या से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी ड्रग्स लिया है, तो इसके जवाब में अनन्या ने कहा कि नहीं, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, मैंने बस सिगरेट पी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी के पास अनन्या और आर्यन के ऐसे कई चैट्स हैं। हालांकि जांच एजेंसी ने अनन्या को अभी तक मामले में आरोपी नहीं माना है, लेकिन जाहिर तौर पर शुक्रवार को अनन्या से एक बार और लंबी पूछताछ होने वाली है। गुरुवार को जब अनन्या चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर पहुंची, तो पूछताछ के लिए कमरे में एंट्री से पहले ही पिता चंकी पांडे से लिपट कर रोने लगी। पूछताछ में अनन्या ने कई सवालों का जवाब भी दिया, कई को टाल भी दिया। सूर्यास्त हो जाने के कारण गुरुवार को उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन शुक्रवार को लंबी पूछताछ होनी है और अनन्या एक बार फिर समीर वानखेड़े और केस के जांच अधिकारी वीवी सिंह के सवालों का सामना करेंगी। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।